छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नेताओं के बीच लगातार बयानबाजी जारी है। वहीं बुधवार को बीजेपी पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अब समाप्ति की ओर है, कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं। उनकी पत्नी एकमात्र लोकसभा महिला सांसद हैं, उनके टिकट काटने को लेकर बयान दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मंत्री के इस बयानबाजी को लेकर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया है, तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। लगातार विधानसभा अध्यक्ष जी सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं, वहां के कलेक्टर के खिलाफ उन्होंने बोला है, अपनी जो पत्नी एकमात्र महिला सांसद है उनकी टिकट काटने की बात उन्होंने की है, तो मुझे लगता है कांग्रेस जो है अब वो समाप्ति की तरफ है। भारतीय जनता पार्टी ब्रजमोहन अग्रवाल को कांग्रेस की चिंता करने के बजाय अपने दल और अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अभी दो दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय ने ब्रजमोहन अग्रवाल सहित तमाम भाजपा नेताओं को कुनैन की गोली खिलाई थी, जिसकी कड़वाहट अभी भी उनके मुँह में होगी।